कोई गल नहीं वेरीफाई कर लेंगे चीज़ों दिस इज नॉट बीन ब्रॉट टू माई नोटिस वेरीफाई कर मिलने ही जित 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 के हारने वाले ओवर पॉजिटिव हो जाएंगे कोई सडन प्रोवोकेशन लगती है क्योंकि इन्हें आपस पुरानी कोई लड़ाई आपस नहीं सी तो ये क्योंकि हजे जरा अक्यूज है वो भी तबीयत बहुत ही ठीक नहीं हैगी इस करके अपन अभी तो क्लीयर नहीं हो पा रहा भी एग्जैक्ट की है बट इन्वेस्टिगेशन जिम्मे जिम्मे प्रोसीड करेगी सूँ ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा भी किस कारण करके लड़ाई हुई थी ये बारे जानकारी यह है भी जो अक्यूज है सतवीर लड़का ये भी अपना जरा भी जो गुट है खब्बा गुट है वो उपर भी इंजरी हैगी है जिसका किस टाइम प्रोपरेशन पी जी आई चल रहा है मैं यही कहना चाहवागा भी जी हजे क्योंकि तफ्तीश अजे पर चल रही है अजे बहुत अर्ली स्टेज है कमेंट करने के लिए पर मैं सिर्फ क्लैरीफाई करना चाहता सी जिहड़ा भी जिहड़ा अक्यूज है ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं उन्होंने जो होर भी है आप सारे वीडियो एग्जामिन कर रहे हैं मैं तो दसना चाहवागा भी जी कल भी मैं एक अपील की सी भी किसी भी अफवाह से असं बिलीव ना करिए बहुत सारी वीडियोज़ इस टाइम के उपर सर्कुलेट हो रही हैं कह के कि वो इस इंसीडेंट की वीडियोज़ है जबकि वो इस इंसीडेंट का पर्टेन ही नहीं करती हैं तो मेरी यह भी रिक्वेस्ट है तुहाडे माध्यम राही भी तुसी भी डिसकरेज करो किसी भी किस्म की अफवाह के उपर ना जाइए जिहड़ा लड़का हैगा यह भी पी आर रेजिडेंट सीगा इन्हें निहंग दबाना जरूर पाया होया सी बट हुण तक की तफ्तीश विच किसी भी निहंग गुरु जथेबंदी दे नाल इहदा कोई लिंक सामने नहीं आता है पर क्योंकि अजे बहुत अर्ली स्टेज है आप तफ्तीश अजे जस्ट आरंभी गई हैगी है तो तुसी थोड़ा समा दिओ आपां सारा क्लीयर कर देखियो जी मैं इसी करके दसना चाहवागा भी जिहड़ा कल का जिहड़ा हुंदा हैगा ओह कहीए उहदे विच जथेबंदियां जिहड़ियां हुंदियां ने उह आप इनवॉल्व हुंदियां ने आपां पिछले साल असीं पहली बारी बैरीकेडिंग स्पेशली इंट्रोड्यूस कीती सी क्योंकि उस तो पिछले साल कुछ सट्टां लग गईयां सन जिहदे करके कि डैथ हो गई सी जदों चरण गंगा स्टेडियम दे विच इसी करके पिछले साल असीं जिहड़ी जथेबंदियां ने उत्थे डिस्प्ले करना हुंदा उहनां दे नाल आपां मिल के एक व्यूंतबंदी बनाई सी जिहदे विच कि असीं बैरीकेडिंग करवाई सी पिछले साल पहली बारी और कोई भी तुहानूं सारिआं नूं पता भी कोई भी इंजरी पिछले साल नहीं हुई सी इस साल भी आपां उहदे लाइनज़ दे उपर पिछले साल तो जिहड़ा आपां नूं एक्सपीरियंस सी उहनां ने सानूं दस्सिआ भी कित्थे कित्थे उहनूं प्रॉब्लम आई बैरीकेडिंग करके आपां उहनूं चेंज करके बैरीकेडिंग का स्ट्रक्चर चेंज किया है तो सानू उम्मीद है भी कल का भी जो होला महला है जो अपना फाइनल कलमीनेशन हैगी बहुत ही वधिया सुचे तरीके होगा बाकी जिते भी कोई कमी पेशी रह जाती मेरी तुहानू भी रिक्वेस्ट है भी आप एक बार जो ये संपन्न हो जाता है वो तुसी हुण भी मेरे ध्यान लेके आओ बाद भी साढ़े ध्यान लेके आओ तो असं इन होर भी अगले साल के लिए इंप्रूव कर सकिए देखो इस अपने तीन चार इस तरह के वीडियो सामने आए हैं पर उन्होंने कुछ वीडियो जो असी वेरीफाई किए तो पिछले साल के या पिछले कुछ सालों के होंगे पर इस बारी वो मतलब सानू उन्होंने ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं हो पा रही है बट फिर भी साड़ी जी टीम है वेरीफाई कर रही है भी कदों के वीडियोज़ है
देखो ये इसी करके इस बार इसी स्पेशली अपने रिक्वेस्ट की थी ज्ञानी जी ने, ज्ञानी जी वालों एक स्पेशल मैसेज भी दिता गया, सारी संगत को मैसेज दिता गया है भी एक बड़ा एक पायस उकैयन है ये आप इस तरह की कोई भी हुलड़बाजी कोई बेइज्जती के ना करिए। साडे वालों भी आप बार बार जो है संगतों को इस चीज़ बारे दसते भी है, पर क्योंकि एक मेले का माहौल होंगे है माहौल भी आप खराब नहीं करना होंगे, एट द सेम टाइम असी जी संगत आ रही है उन्होंने फैसिलिटेट करना होंगे, इस करके साडे वालों कुछ चलान भी किए गए हैं, लोगों को समझाया भी जाता है बार बार तुहाडे पर समझाने हैं, तो मैं तुहाडे माध्यम नाल दोबारा अपील करांगा भी जो ज्ञानी जी ने पहले भी अपील की उसके उपर आप खरा उतरीए और एक एक बड़ा एक पायस मेला है तो आप इस मेले को मेले की स्पिरिट के लीए यकीन दवाया जा सके कि पंजाब ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਸੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੌ ਸੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਨੈਣਾ ਜੀ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦੇ ਦਿਓ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋ ਐਨ ਨੂੰ ਡਰੈਕ ਕਰ ਡਿਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ जी सर एक कल राती एक इंसीडेंट रिपोर्ट होया सी लगभग 10:30 बजे के आस पास भी एक लड़का जिहदी उम्र जिहदी नाम प्रदीप सिंह है भी उहदी डैथ हो गई है किसी लड़ाई दे विच तो इमीजिएटली उहदे विच जदों इन्फॉर्मेशन आई भी इदां कोई लड़ाई हो रही है उसी टाइम दे उपर एस एच ओ आनंदपुर साहब जिहड़ा मौके दे उपर पहुँच गए सन ते जिहड़ा फटड़ होया सीगा जिहड़ा फटड़ होया सी लड़का प्रदीप सिंह उहनूं लैके उह हस्पताल लैके आए जिथे कि जाके उहदी डैथ हो गई है। इस विच मुकदमा नंबर 37 थाणा आनंदपुर साहब विच दर्ज किया गया सीगा और मुकदमा दर्ज करके उस तफ्तीश आरंभी गई तो हुण तक दी तफ्तीश विच जिहड़ा अक्यूज हैगा उह आइडेंटीफाई हो चुका हैगा निरंजन सिंह पिंड नौहती नूरपुर बिद्दी दा रहिण वाला लड़का है जिहदे नाल कि इहदी लड़ाई हुई जिस करके कि इह ये लड़का प्रदीप सिंह जी है ये डैथ हुई है। इतने मैं क्लैरीफाई करना चाहवागा भी जोड़ा प्रदीप सिंह है इन्हें उस समय के उपर जिस समय लड़ाई होंगी उस टाइम के उपर एक निहंग का बाणा पाया हुआ है ये वैसे अदरवाइज एक PR जी PR हैगी है कैनेडा तो वापस आया सी फरवरी में ही वापस आया है ये टैटू बनाने का काम जोड़ा है इतने इस टाइम के उपर ये फैमिली के मुताबिक इस टाइम सीख रहा है ये दो भैन भरा है जी सिस्टर है वह भी कैनेडा के सैटल्ड हैगी है तो हूँ तक तफ्तीश में सर आप होर भी जी फुटेज वगैरह आई हैं वो बेस उपर असं आइडेंटीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं भी होर कि बंदे ये इस लड़ाई के सर देखो जी मैं इसी करके मैं आप जी ने दस भी जो पहले भी जो अपनी मीटिंग्स हुई ज्ञानी जी ने भी जो मीटिंग्स हुई इसी करके असं ज्ञानी जी तो स्पेशली एक रिक्वेस्ट पवाई सी सारे भी जी संगत आ रही हैगी वो संगत इस चीज़ को अपना अपना एक मेले के मेले की पायसनैस में समझते हुए वो हिसाब के नाल ही अपना आपको कंडक्ट करिए तो आप जी भी अगली कार्रवाई बनती होगी उस कार्रवाई आप करा मैं आप जी ने यही दसना चाहवागा भी तुम पिछले साल की भी मेरे पास वीडियोज़ पई हैं तुम भी चैक कर लो और इस साल की वीडियोज़ भी चैक करो तो हैरानी होगी जान के कि इस बारी साडे कैमराज रहेगी जिहड़े कि आप एक कही सुनी गल वक्री होंगी है मैं कैमराज बेस उपर तुम्हें एक फोरेंसिक एविडेंस बेस उपर तुम दिखा सकता साड़ी एवरेज स्पीड इस टाइम के उपर 30-35 किलोमीटर की आ रही है साढ़े जो चोक बॉटलनेक्स है वो पिछले साल इसी समय के उपर साड़ी लगभग फोर्स 2400 के आसपास फोर्स लगी सी इस बार 3500 तो ज़्यादा फोर्स लगी हुई है इस बारी कैमराज पिछले नालों बहुत ज़्यादा ने अपन एक एक सैक्टर जो तुम जाना चाहते हो कंट्रोल रूम देख सकते हो एक एक सैक्टर के असं एग्जामिन करते हैं भी साड़ी कितनी एवरेज स्पीड आ रही है असं एवरेज स्पीड तो देखते हैं ट्रैफिक जैम में अपन उस चीज़ को देखते हैं तो इस टाइम उपर 30-35 किलोमीटर की एवरेज स्पीड पीक टाइम के उपर आ रही है जो कि ये अपनी अपनी पुलिस की कार्यकुशलता बारे गल करती पई हैगी है भी जे आप इन्नी इन्ना इन्ना हैवी फुटफॉल जो कि पंजाब का सब तो बड़ा मेला है जो उस फुटफॉल दे विच भी आप इन्ना अच्छा ट्रैफिक मेंटेन करने कामयाब होंगे मैं ये नहीं कह रहा भी ये परफेक्ट है मैं ये कह रहा भी ये बहुत इंप्रूवड है और असं जो होर भी लैसन होंगे ने हर साल असं इंप्रूव करते हैं पिछले साल जो होया जो लर्निंग्स दी उन्होंने इस साल इंप्रूव करने की कोशिश की है तो जी इस साल की लर्निंग्स होगी उन्होंने अगले साल डेफिनेटली इंप्रूव करा।